हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर दूसरा विष के दांत। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस कहानी को अवश्य ही पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके इसको ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी कहानी है। जो लोग पढ़ चुके हैं कहानी को वो इस क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो कृपया करके इसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उस पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एक बार फिर से घूमता है और वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो जो लोग कहानी को पढ़ चुके हैं वो इन सब क्वेश्चन का आंसर दें, और जो लोग कहानी नहीं पढ़े वो कृपया करके कहानी ज़रूर पढ़ें, काफ़ी अच्छी कहानी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ने के बाद। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको चैनल पर नया है तो। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, इस कहानी को किसने लिखा है। तो आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा। तो याद रखेंगे इसका आंसर, ये जो कहानी है उसको नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। यहाँ पर आपको कहानी का किसने लिखा है, ये तो यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा। इस चैप्टर में आपको नलिनी विलोचन शर्मा के माता का नाम और इनके पिता के नाम को भी याद रखना है, जिनको हम लोग इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, गिरधर लाल कौन था, इसका आंसर देना है। ऑप्शन है काशू का पिता, दूसरा ऑप्शन है मदन का पिता, तीसरा ऑप्शन हमारे पास रजनी का पिता, और चौथा ऑप्शन हमारे पास शेफाली का पिता। तो याद रखेंगे गिरधर लाल मदन का पिता था, इसका सही आंसर हो जाएगा मदन का पिता। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन हमारे पास तीन, दूसरा ऑप्शन है एक, तीसरा ऑप्शन है दो, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास चार। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो याद रखेंगे मदन ने कासू के दो दांत तोड़ डाले। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में एक लाइन बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। यहाँ पर उनके माता जी का नाम बताना है लेखक के, पद्मावती शर्मा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कलावती शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इंद्रावती शर्मा। तो बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा जो विष के दांत कहानी के लेखक है, इनके माता जी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे रत्नावती शर्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो ऑप्शन है ड्राइवर से, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मदन से, तीसरा ऑप्शन है खोखा से, और चौथा ऑप्शन हमारे पास इंजीनियर से। तो याद रखेंगे अगर आप चुको चैप्टर पढ़े हैं तो याद ही होगा मोटर कार को खोखा से खतरा था, सही आंसर हो जाएगा खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो याद, ऑप्शन हमारे पास तमिल, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है बांग्ला, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास हिंदी। तो याद रखेंगे खोखा खोखी बांग्ला शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची, खोखा खोखी का मतलब बच्चा बच्ची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह कथन किसने कहा। कहानी में का एक पात्र है जिसने बोला था ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था। तो ऑप्शन हमारे पास सेन साहब की धर्मपत्नी ने, दूसरा ऑप्शन है गिरधर ने, तीसरा ऑप्शन है सेन साहब, और चौथा ऑप्शन है सोफर। तो बताना है कौन बोला था इस वाक्य, तो सेन साहब ही बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। तो अभी हम लोग बता चुके हैं इसका अर्थ होता है बच्चा और बच्ची, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चा बच्ची, खोखा खोखी का मतलब बच्चा बच्ची। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, खोखा का क्या नाम है।
खोखा उसका उपनाम है, ऐसे उसका असली नाम क्या है? आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं तो कैसे पता होगा? ईशु, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास केशु, तीसरा ऑप्शन है काशी और चौथा ऑप्शन हमारे पास कासु। तो कासु सेंस हो जाएगा आपका, कासु याद रखेंगे, खोखा का नाम कासु था, सेंस हो जाएगा कासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष के दांत कैसी कहानी? ये जो कहानी है वो हमारी कैसी कहानी है, किस कैटेगरी में आती है? ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐतिहासिक, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक और चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। तो याद रखेंगे विष के दांत जो कहानी है वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। आगे बढ़ते हैं, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, दूसरा ऑप्शन है वकील, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर। तो याद रखेंगे सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीट जाया करता था? ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है सेन साहब, तीसरा ऑप्शन है खोखा और चौथा ऑप्शन है पिता। तो मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो पिता के हाथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा पिता। मदन पिता के हाथों अक्सर पीट जाया करता था। अगला क्वेश्चन हमारा, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? वहाँ पे हमने माता का नाम देखा था रत्नावती देवी, यहाँ पे आपको पिता का नाम बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है पंडित राम अवतार शर्मा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, तीसरा ऑप्शन है पंडित मृत्युंजय शर्मा और चौथा ऑप्शन है पंडित दशावतार शर्मा। तो बताना है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो याद रखेंगे पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन विलोचन के माता का नाम रत्नावती देवी और पिता का नाम राम अवतार शर्मा, और जो कहानी है विष के दांत ये हमारे नलिन विलोचन शर्मा ही लिखे हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।